चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, 4 तक हमारे हो गए थे। चैप्टर नंबर 4 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, क्लास 8, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आर दी फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा ए पार्ट है इसका, हमें दिया हुआ है 392। 392 इसने बोला है कि आर दी फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, क्या ये जो नंबर है, क्या ये हमारा परफेक्ट क्यूब है? इफ़ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखो, ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको कैसा करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लिख लेना है जो नंबर आपको दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले आपको निकाल लेना है। वो आपको निकालने आते हैं, ये इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, ये हो गया 9। ठीक है, सो 2 9 ज़ा 18, 1 बचा, ये हो गया 12। 2 6 ज़ा 12, दोबारा 2 से करो। 2 9 ज़ा 18, 1 बचा 6। 2 8 ज़ा 16, 2 से करो। 2 4 ज़ा 8, 1 और 8। 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 7 से करो। 7 7 ज़ा, अब 7 से करो, 7 1 ज़ा। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करें सर, अब लिख लो यहाँ पे कैसे, देखो ऐसे 1 2 3, 7 7, ये हमारा क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 के इसमें वो बनते हैं ग्रुप, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप रह गया, मतलब हमारा एक साथ और होता तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वन सेकेंड यार, चलिए ठीक है। अब देखिए, हमारा 7 बज गया, तो यहाँ पे इसने पूछा था आर दी फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स, कई नंबर परफेक्ट क्यूब्स हैं, इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सो इन ऑर्डर टू मेक 392 परफेक्ट क्यूब वी मस्ट मल्टीप्लाई, वी मस्ट मल्टीप्लाई 8, इट मतलब 392, इट बाय 7, राइट। तो इसने पूछा था इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, हैंस स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वो हो गया हमारा 7। ये आपको लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा अगर आप लिख सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, मैं एक बार पीछे आंसर देख लेता हूँ आपको कैसे आंसर दिए हुए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको मॉडिफाई करवा दूंगा अगर मुझे ज़रूरत लगी तो। 4.1 कहाँ है भाई तू, 5th का, नन ऑफ दीज आर परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, पहला है हमारा 7, ठीक है, बस 7 है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, इससे अच्छा लिख सकते हो मोस्ट वेलकम। परफेक्ट क्यूब हमारा क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 7 का ग्रुप नहीं बना, मतलब 3 का ग्रुप बनना चाहिए था, 1 7 यहाँ पे कम है। अब 1 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें बना के दिखाना नहीं है, बस हमें ये बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे बन जाए, तो हमने रख दिया 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट मैंने रब नहीं करा, इसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। 648 कैसे यूज़ करेंगे बताऊँगा अभी, है ना, 648 तो इसकी जगह। ठीक है, चलो अभी चलो पहले करते हैं, पहले इसको भूल जाओ, बस यहाँ पे ध्यान दो 648। ठीक है, तो करेंगे इसको हम 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा, ठीक है, अब दोबारा 2 से, सर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 1 आ गया 2, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा, 2 से, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 1, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। ठीक है, तो क्या होगा इसके फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 1 2 3 4। ठीक है, 1 सेकेंड, एज आई सेड कि मुझे थोड़ा कोल्ड है तो माफ़ी चाहूँगा, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 सेकेंड,
माफी चाहता हूँ सोच से। चलिए जी इसको बनाते हैं, तीन आएगा यहाँ पे और ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये तीन का ग्रुप बन गया, ये तीन का ग्रुप बन गया, ये तीन का ग्रुप बन गया, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमारे दो तीन कम है, यहाँ पे तीन अकेला रह गया, दो तीन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई थ्री ऐसे होना चाहिए था, अभी यहाँ पे है नहीं तो उसको रब कर दो अभी, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 6 4 6 4 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सो इन ऑर्डर टू मेक, इसी से बस 8 लिख देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट मल्टीप्लाई 8 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको, 3 × 3 मतलब दो बार 3 से, डैट इज़ कितना हो गया 9, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया इसका आंसर 9, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैंने रब नहीं किया था, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो तीन का ग्रुप बन गया, यहाँ पे जो है दो तीन कम है, मतलब दो हमें इसको बनाना है परफेक्ट क्यूब, मतलब बताना है कि परफेक्ट क्यूब इसको कैसे बना सकते हैं, बना के दिखाना नहीं है मगर बताना है कि अगर यहाँ पे एक तीन और होता या दो तीन और होते तो बन जाता, तो दो तीन मतलब 9, ठीक है। इस तरीके से चलिए इसको भी रब करते हैं। सी देखिए बच्चों, मैंने पूरा रब कर दिया, ठीक है, और दिक्कत हो रही थी लिखने में, ठीक है। 3645 5 एंड में तो 5 से करो इसको, ठीक है। 5 7 35 1 बचा 4, 5 2 10 ठीक है बचा 4, और ये हो गया हमारा 5, 5 9 45 ठीक है। अब देखो कितना हो गया हमारा, हो गया इवन नंबर, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे हम 3 से, 7 और 2 9 9 18 18 हो गया, तो हमारा 18 चला जाएगा, ठीक है, किससे 3 से, तो 3 से करेंगे इसको। 3 2 6 1 बचा 2, 3 4 12 3 3 9 ठीक है। अब ये जाएगा मेरा किससे, 4 5 7 8 में दोबारा 3 से जाएगा मेरा, 3 8 24 3 1 दोबारा 3 से जाएगा, 3 2 3 7 दोबारा 3 से जाएगा, 3 9 3 से 3 3 3 से 3 1 तो कितना आ गया बच्चों, 5 × 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 3, ठीक है। तीन का बना 5 रह गया, मतलब 2 5 यहाँ पे कम है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम हमें वही लिखना था, हम लिखेंगे 3645 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 5 डेट इज 25, सो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया हमारा 25, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी रब कर देते हैं सर, कितना हमारा 1 2 9 6 1 2 9 6 चलो 1 2 9 6 इवन नंबर है, 2 से करते हैं, 2 6 12 2 4 8 1 6 2 8 16 2 से, 3 2 4 2 से, 1 1 2 12 6 2 2 से, 8 1 3 से, 2 7 3 से, 9 3 से, 3 3 से 1 ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 यहाँ पे 3, तीन का ग्रुप बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखो कितना मसला हो गया हमारा यहाँ पे, हमें दो बार तो 2 चाहिए, ठीक है, और दो बार हमें 3 चाहिए, देखो 1 2 है मतलब 2 2 कम है, तो हम बोलेंगे 1 2 9 6 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट मल्टीप्लाई 8 बाय, किससे, देखो बच्चों 1 2 है 2 2 कम है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 3 है 2 3 कम है इनसे, डेट इज़ कितना हो गया बच्चों, 2 2 4 4 हो गया, 3 3 9 4 9 36 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब जाके बनेगा ये। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों, 36, तब ये ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व।